सत श्री अकाल। चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों का सिलसिला शुरू करने तो पहला एक नज़र मार लेने हैं सुर्खियों के वल। नहीं रहे हिमाचल के साबका मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, 87 साल की उम्र च होया देहांत। वीरभद्र सिंह नूं 2 बार हो चुका सी कोरोना। वीरभद्र सिंह के देहांत तो बाद हिमाचल च 3 दिन सोग का ऐलान। 3 दिन बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर। साबका सीएम वीरभद्र के देहांत मौके किया गया ऐलान। वीरभद्र सिंह के देहांत मुख्यमंत्री पंजाब ने जताया सोग। कहा वीरभद्र सिंह सन एक चंगे सलाहकार, परमात्मा उन्हां दी आत्मा नूं बख्शे शांति। लुधियाना च राजीव गांधी के बुत नूं लगी अग। कांग्रेसी आगू मंड ने अपनी दस्तार नाल कीता बुत नूं साफ, इंसाफ दी कीती मंग। अते हुण खबरां विस्थार दे नाल। हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे ते सीनियर कांग्रेसी आगू वीरभद्र सिंह का 87 साल की उम्र विच देहांत हो गया। सूत्रों तो मिली जानकारी मुताबिक वीरभद्र सिंह का देहांत सवेरे 3:40 ते होया है। मुड़ कोरोना पॉजिटिव आने तो बाद शिमला के IGMC हस्पताल विच इलाज अधीन सन। सीनियर कांग्रेसी आगू के देहांत नाल सूबे विच सोग की लहर दौड़ गई है। वह करीब 2.5 महीनों तो IGMC च दाखिल सन। सोमवार को अचानक सेहत खराब होने तो बाद डाक्टरों ने उन्होंने वेंटीलेटर से रखा, जिस तो बाद वह बेहोशी की हालत में इलाज अधीन सन, पर सवेरे 3:40 से उन्हों की मौत हो गई है। दसनयोग है कि वीरभद्र सिंह ने पहली बार महासू लोग सभा सीट तो चोन लड़ी सी। पंडित जवाहर लाल नहरू उन्होंने सियासत में लियाए सन। ऐसे गल नूं वीरभद्र सिंह वार बार दोहराते सन। अजय वीरभद्र सिंह अर्की तो विधायक सन। हिमाचल के साबका मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के होए देहांत तो बाद हिमाचल विच 3 दिन के सोग का ऐलान किया गया है, जिसके चलद 3 दिन सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। ये उन्होंने सरकार वालों श्रद्धांजलि होगी। मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि हिमाचल के साबका मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह के देहांत बारे सुन के उन्होंने बेहद दुख होया है। एक योग प्रबंधक ते एक सज्जन जिसनों लोग प्यार करते सी, वह सिर्फ एक वड्डे भरा ही नहीं बल्कि साढ़े बहुत सारे लिए सलाहकार भी सन ते परमात्मा उन्होंने आत्मा नूं सदीवी शांति बख्शे। लुधियाना विच लगे साबका प्रधानमंत्री राजीव गांधी दे बुत नूं अचानक अग लग गई है, जिस तों बाद इलाके विच तनावपूर्ण माहौल बन गया। कांग्रेस दे आगू गुरसिमरन मंड ने अपनी दस्तार दे नाल ही राजीव गांधी दा बुत साफ करना शुरू कर दिता है। मौके ते पुलिस भी पहुंची ते मंड ने कहा कि जदों तक इंसाफ नहीं मिलेगा वह हुण धरना लगाउणगे। कांग्रेस दे आगू गुरसिमरन मंड ने कहा है कि यह जान बुझ के अग लगाई गई है। हालांकि अग लगन के कारणों का हले पता नहीं चल सकिया, पर मंड ने सीधी चुनौती दिंदिया कहा कि जे कोई भी अजिहां हरकतां कर रहा हो सीधा आके उन्हां नूं मिले। मंड ने कहा कि निंदनयोग घटना है ते जदों 2018 विच पिंडां विच यूथ अकाली दल वल्लों भी राजीव गांधी दे पुत नूं कालख मली गई सी ते उदों वी इह सब तों पहलां पहुंचे सन ते अज वी पहुंच के उन्हां बुत नूं साफ कीता है। उधर दूजे पासे मौके ते पहुंचे SHO ने दस्सिया है कि अज अग अचानक लगी। इत्थे सिर्फ लेबर दे कुछ लोग ही काम कर रहे सन ते बुत दे कोल कपड़ा लग्या होया सी, जिस दौरान अचानक कपड़िआं नूं अग लग गई ते इस दी लपेट विच बुत वी आ गया। उन्हां कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। जिक्रे खास है कि 2018 दे विच वी राजीव गांधी दे इसे बुत्ते श्रोमणी अकाली दल यूथ दे जिला प्रधान गुरदीप गोशा ते मीतपाल दुगरी ने कालख मल दित्ती, जिस तो बाद उन्हां दोवां ते परचा दर्ज होया सी ते दोवां ते कार्रवाई भी हुई सी ते इसे दौरान बिक्रम मजीठिया भी अपने आगुआं नूं समर्थन देण लई पहुंचे सन।
तेल ते रसोई गैस दीआं वधीआं कीमतां खिलाफ अज किसानां दा हल्ला बोल है। संयुक्त किसान मोर्चे दे सद्दे ते देश भर विच किसानां वल्लों मुजाहरे कीते जा रहे ने, जिसके चलदे किसानां ने 2 घंटे सवेरे 10 बजे तो लैके दोपहर 12 बजे तक वख-वख थावां ते प्रदर्शन करन दा ऐलान कीता है। संयुक्त किसान मोर्चे का कहना है कि उन्हां वल्लों सड़की आवाजाई विच कोई विघन नहीं पाया जाएगा। हाईवे दे इक पासे अपनी गड्डियां खड़ा के किसान रोस जता रहे ने। मोर्चे का कहना है कि सिर्फ चुनिया गईआं थावां ते ही शांतमई मुजाहरा ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਾਰਨ ਵਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੰਡਰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਧਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਕਣੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली च कपूरथला हाउस च अपने मुख सलाहकार ते चोन रणनीतिकार प्रशांत किशोर नाल बैठक की, जिस विच पंजाब दे मौजूदा सियासी हालत ते चोन मुद्दियां ते विस्तार नाल चर्चा हुई। एक घंटे की बैठक दौरान दोवां ने पंजाब विधानसभा दीआं चोणां ते चर्चा की है। इस बैठक दे नाल ए साफ हो गया है कि प्रशांत किशोर आने वाली विधानसभा चोणां विच कांग्रेस लई पंजाब विच काम करनगे। 2017 विच भी प्रशांत किशोर ने कैप्टन ते कांग्रेस लई काम किया सी, ते हुण भी प्रशांत वल्लों कांग्रेस खास तौर पर मुख्यमंत्री नूं चोण मुद्दियां रणनीति के विरोधी धिर विरुद्ध चुके जाण वाले मुद्दियां ते सलाह दी है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बीते दोपहर दिल्ली तो चंडीगढ़ परता ने। चंडीगढ़ पहुंचदिया ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कई मंत्रियों विधायकों ते सीनियर अधिकारियों के नाल मुलाकात की है, ते उन्हां सारियां नूं सरकारी कामकाज विच तेजी लियाउण दे निर्देश जारी किए ने। हुण नजर मारदे हां अज दे मौसम दे हाल दे वल। इस नाल ही खबरों का सिलसिला इतने ही समाप्त होंदा है। नवीं ते ताज़ा खबरों के नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई इजाजत दिओ, धन्यवाद।